ओटवाला में धूमधाम के साथ हुई नवकुंडी यज्ञशाला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न। फलाह चौधरी कार्यक्रम में उमड़े हजारों की संख्या में श्रद्धालु। हेलीकॉप्टर से की पुष्प वर्षा। सांसद लुम्बाराम सहित कई जनप्रतिनिधि व साधु संत बने साक्षी। शैलाकुंड क्षेत्र के ओटवाला गांव में बाणमाता मंदिर में नवनिर्मित नवकुंडी यज्ञशाला प्रतिष्ठा महोत्सव धूमधाम से साधु संतों के सानिध्य में सोमवार को सम्पन्न हुआ। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर सोमवार को साधु संतों के सानिध्य में यज्ञशाला के शिखर पर स्वर्ण कलश स्थापित कर ध्वजारोहण किया गया और माताजी की पूजा अर्चना कर मंदिर शिखर पर वार्षिक ध्वजारोहण भी किया गया। प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सवेरे से ही लाभार्थी परिवारों के गाजे बाजे के साथ वरघोड़े के रूप में झूमते हुए सज धज कर प्रतिष्ठा स्थल पर पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया था। सवेरे 9 बजे तक पूरा मंदिर प्रांगण श्रद्धालुओं से भर गया। इसके बाद शुभ मुहूर्त में पंडितों के आचार्यत्व में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया। सर्वप्रथम यज्ञशाला के शिखर पर लाभार्थी परिवार द्वारा दंड को स्थापित किया गया। इसी तरह शिखर पर स्वर्ण कलश, अमर ध्वजा एवं अन्य कलश स्थापित करने किए गए। जो ही यज्ञशाला की प्रतिष्ठा की गई तथा ध्वजारोहण किया गया, उस दौरान बाण माता के जयकारों से माहौल धर्ममय हो गया। वहीं बैंड बाजाओं की सुमधुर स्वर लहरियों पर युवक युवतियां झूमने लगे। प्रतिष्ठा के बाद विभिन्न छड़ाओं के लाभार्थी परिवारों द्वारा पूजा अर्चना व अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए गए। प्रतिष्ठा को लेकर मंदिर व यज्ञशाला को रंग बिरंगी फूल मालाओं से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। इस दौरान गोलमेंत आशा भारती महाराज, प्रेमनाथ महाराज, राजा योगी निर्मलनाथ महाराज कदरी मठ मैंगलोर, गाजियाबाद के नारायण गिरी जी महाराज, मंगलईनाथ महाराज, लाल भारती महाराज, विजयनंद महाराज, विष्णु स्वरूप महाराज, जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी, जिला प्रमुख राजेश राणा, प्रधान ढोमी देवी राजपुरोहित, किसान नेता बद्रीदान चारण, भाजपा के लालाराम माली, थानमल थलवार, जोगराज आलासन, ट्रॉफिक इंसार्ज कालूराम विष्णु सहित कई साधु संत एवं आसपास के गांवों से हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। फलाह चौधरी का हुआ आयोजन। बाण माता मंदिर में यज्ञशाला की प्रतिष्ठा को लेकर समस्त ग्रामवासियों की ओर से फलाह चौधरी का आयोजन किया गया, जिसमें ओटवाला सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया तथा प्रसादी ग्रहण की। हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की गई, जो आकर्षण का केंद्र रही। यज्ञशाला के शिखर पर लाभार्थी परिवार द्वारा स्वर्ण कलश स्थापित करने तथा ध्वजा चढ़ाते ही हेलीकॉप्टर से चढ़ावे के लाभार्थी परिवार ने पुष्प वर्षा की। हेलीकॉप्टर ने पूरे गांव के चारों ओर परिक्रमा भी की। पूर्व रात्रि में भजन संध्या का हुआ आयोजन। इस दौरान भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें आशा वैष्णव एंड पार्टी ने भजनों की एक से एक बढ़कर शानदार प्रस्तुतियां दी। तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। आप सब लोग बड़े ही भाग्यशाली हो कि आपके सामने सज्जनों, हम सब लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं कि हम कहीं कहीं हमारे संतों का